हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, गार्निश GARNISH को लिखा गया है RGAINHS। तो देखिए क्या पैटर्न यूज किया गया है इसमें, RGA यानी जो तीसरा अक्षर है उसको इन्होंने पहले लिख दिया है और फिर GA लिखा गया है, और NI को क्या किया, IN कर दिया उल्टा, SH को क्या किया, HS कर दिया। तो वही पैटर्न पहचानना है आपको, ये पैटर्न तभी पहचान पाओगे जब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेंड करोगे। तो इसलिए जितने क्वेश्चन मिले कहीं से भी किसी भी बुक से आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। तो यहां पे भी तीसरा अक्षर पहले आ जाएगा, N G E, उसके बाद I O को रिवर्स करेंगे तो O I, और U S को रिवर्स करेंगे तो S U। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, R O M E ये दिया हुआ है, इसने लिखा M O, M O यानी बीच वाले दोनों अक्षरों को पलट दिया गया है और फिर R और E, ऐसे यहां पे भी करेंगे, A R को पलट देंगे R A और फिर D और E, ये आ जाएगा रेड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा R A D E। ऐसे इसमें देखिए, इसमें क्या है, F और N, F और N क्या है, ये सेम पोजीशन पे है, क्लियर, सेम पोजीशन पे। उसके बाद इसने बीच वाले को क्या किया है, A S H I O को इसने रिवर्स कर दिया, O I H S A, O I H S A, तो इनको फिक्स करते हैं P और M को और बीच वालों को रिवर्स कर देते हैं, तो E L B O R। तो गाइज कोई भी क्वेश्चन होता है तो पहले आप खुद ट्राई किया कीजिए। मान लीजिए मैंने चार क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे, तो उसको आप वीडियो को एक बार पॉज करके पहले खुद ट्राई करो, जब नहीं बने फिर उसको वीडियो को प्ले करके फिर सॉल्यूशन देखो। S T O V E, तो इसको E V लास्ट के दोनों अक्षरों को पलट दिया E V, ठीक है। उसके बाद T O को पलट दिया यानी O T, या यूं कह लो पूरा का पूरा पलट दिया गया है, E V O T S, E V O T S पूरा का पूरा पलटा गया है, E L D N A C, तो इसको भी आप पूरा पलट दो, T R O P E R। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा प्रॉपर। देखिए नेक्स्ट, इन चारों क्वेश्चन को आप समझने से पहले एक बार वीडियो को पॉज करके आप इनको 3-4 मिनट खुद ट्राई कीजिए, पहले खुद से ट्राई कीजिए। ये चारों क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, वीडियो को यहीं पे आप पॉज कर लीजिए, पॉज कर करके फिर ये चारों क्वेश्चन खुद ट्राई कीजिए, फिर आगे वीडियो को प्ले करेंगे तो फिर मैं कैसे सॉल्व करवा रहा हूँ वो देख लीजिएगा, क्योंकि अब आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, M A N A G E R, इसको क्या किया गया है, R E G A N A M यानी उल्टा कर दिया गया, R E G A N A M, तो आप इसको भी उल्टा कर दोगे, N O I T O M, ये आंसर आ जाएगा, क्लियर। ऐसे इसमें भी देखोगे आप Y H P A R G O E G, इसमें भी क्या किया गया है, रिवर्स किया गया, उल्टा किया गया है, तो इसको भी आप उल्टा कर दोगे, N A I G R O E G, क्लियर। इसमें भी आप देखोगे कि कहीं ना कहीं देखो आई सी आई टी, आई सी आई टी कहां दिख रहा है आपको, यहां से शुरू हो रहा है आई सी आई टी एन ए, और इधर पी ए टी आई ओ एन है, तो इसने क्या किया है, पहले 6 को उल्टा करके लिखा है, ए एन टी आई सी आई को क्या कर दिया, यहां से ए एन टी आई सी आई, ऐसे ही लास्ट के 6 को क्या किया है, उल्टा करके लिखा है N O I T P A, N O I T A P, A P रिवर्स करेंगे तो A P आएगा, ठीक है। ऐसे इसमें भी आप 3 और 3 6, क्लियर। इन 6 को क्या करोगे आप, उल्टा कर दोगे, C U D, C U D O R P,
कर दिया उल्टा, उल्टा करके लिखा। ऐसे इसको भी उल्टा करके लिखोगे तो y t i v i t। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ये। टेम्पल, टेम्पल में टी एम पी एल ई, एम ई टी लिख दिया इसने और पी एल ई को ई एल पी कर दिया। तो आप भी इसमें ऐसा ही करो, पहले चार और आखिरी के चार, क्योंकि देखो छह थे तो आधे आधे किए ना, तो ये आठ हो गए, तो आठ में आधे आधे कर दोगे, यानी टी आई ए एफ, ऐसी एल यू एफ एच, एल यू एफ एच। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। देखिए स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट चारों क्वेश्चन आप वीडियो को पहले पॉज कर दीजिए और ये चारों क्वेश्चन नोट कर लीजिए। नोट करके इनको खुद ट्राई करो, पहले दो मिनट आप खुद लगाओ, उसके बाद जो है वीडियो को प्ले करके आगे सॉल्यूशन देखना। क्वेश्चन नंबर 29, विजय, विजय को इसने लिखा है ई आर क्यू जेड बी, तो सुधा के लिए क्या कोड होगा? तो देखिए गाइज, इसमें V को इसने क्या लिखा है, E लिखा है, और V के साथ E कब आता है? लव, लव के नाम से मैंने बैक सीरीज याद कराई थी कि V के साथ क्या आता है, E। I के साथ क्या आता है, आई आर इंडियन रेलवे, पार्ट वन में करवाई है मैंने ये बैक सीरीज। J के साथ में क्यों, जयपुर क्वीन। A के साथ Z, Amazon या A to Z। Y के सामने B, बाय। तो ऐसी S के सामने क्या आएगा, S के सामने क्या जाएगा, हरभजन सिंह के नाम से याद करवाया गया था यानी H। U के सामने, U को याद कराया गया था फुकरे के नाम से यानी F। D, D को याद कराया गया था दूध वाला W। एच को हरभजन सिंह और ए को जेड। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी यू एस टी ओ एम को क्या लिखा है, यू सी, यू सी यानी जो सी यू था इसको पलट दिया यू सी कर दिया, एस टी को पलट दिया टी एस कर दिया, ओ एम को पलट दिया एम ओ कर दिया, यानी दो दो को पलटा गया है, दो दो को पलटा गया है, तो आप भी दो दो को पलट दो। पी ए को क्या कर दोगे, ए पी। आर ई को क्या कर दोगे, ई आर। एन टी को क्या कर दोगे, टी एन। तो ये आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में क्या किया गया है, एफ को ऐसा ही लिखा गया, उसके बाद जो लास्ट अक्षर था उसको शुरू में लेके आ गए, एफ एन हो गया। उसके बाद ए आई, ए आई यानी जो ये वाला अक्षर है और ये वाला अक्षर, यानी अगर मान लीजिए ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवा, आठवा। तो सबसे पहले पहला अक्षर लिखा गया, फिर आठवा अक्षर लिखा गया, लेकिन इसमें आप देखोगे क्वांटिटेटिव, अब इसमें नंबरिंग ज्यादा है और इसमें नंबरिंग कम है। अब इस तरीके से पैटर्न का पता लगाना मुश्किल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम ऑप्शन मेथड का यूज कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो आप ऑप्शन पे चले जाइए। इस क्वेश्चन के ऑप्शन हम लिख देते हैं, फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट ऑप्शन है क्यू टी ई ए, क्यू टी ई ए, टी यू आई ए, टी यू आई ए, वी आई टी एन, वी आई टी एन। सेकेंड ऑप्शन क्यू टी एन ए, क्यू टी एन ए, वी आई ए आई, वी आई ए आई, टी ई टी यू, टी ई टी यू। थर्ड ऑप्शन है क्यू ई ए आई टी, क्यू ई ए आई टी, ए टी आई, ए टी आई, टी एन, वी यू, क्यू आई ए टी ए, क्यू आई ए टी ए ई, टी यू टी, टी यू टी, एन वी आई।
तो देखिए गाइस, अगर इस तरीके से आप पैटर्न का पहचानना मुश्किल होता है, तो अभी इतना तो पता चल गया, पहले एफ आएगा और फिर लास्ट वाला अक्षर आएगा यानी एन। एफ और एन लास्ट, यानी पहले दो अक्षर आपको मिल गए, तो यहां पे भी आपके पास क्या आएगा, क्यू आएगा, और फिर लास्ट वाला अक्षर यानी ई आएगा। तो क्यों ई से आपका आंसर शुरू होगा, क्यों ई से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है आपका, थर्ड ऑप्शन। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, क्लियर। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए, कॉम्प्लिकेटेड हो, तो आप ऑप्शन से आइडियाज लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैश, कैश को लिखा गया है ई सी यू जे, बैंक को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए सी के बाद डी छोड़ा तो ई आ गया, ए के बाद बी छोड़ा सी आ गया, एस के बाद टी छोड़ा यू आ गया, एच के बाद आई छोड़ा तो जे आ गया, यानी दो दो सब में बढ़ाया गया है, तो आप इसमें भी दो बढ़ा दीजिए। बी के बाद सी छोड़ोगे तो डी आ जाएगा, ए के बाद बी छोड़ोगे तो सी आ जाएगा, एन के बाद ओ छोड़ोगे तो पी आ जाएगा, के बाद एल छोड़ोगे तो एम आ जाएगा। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डी सी पी एम। वीडियो को पॉज करके ये चारों क्वेश्चन एक बार नोट कर लीजिए और इनको खुद ट्राई करके देखिए एक बार, दो मिनट आप इनको खुद ट्राई कीजिए चारों क्वेश्चन को, और फिर उसके बाद वीडियो को प्ले कीजिए और फिर इनके सॉल्यूशन देखिए। S H O U L D E R को इसने लिखा है V P I T Q D C K। तो देखिए इसने क्या किया है, पहले चार को और लास्ट के चार में U से क्या आया V, O से क्या आया P, H से क्या आया I और S से क्या आया T, यानी पहले चार को उल्टा करके एक एक बढ़ाया गया है, ऐसी लास्ट के चार को उल्टा करके एक एक कम किया गया है। L से क्या आया K, D से कम करोगे तो C, E से कम करोगे तो D, R से कम करोगे तो Q। ऐसे ये मॉर्निंग्स, ये चार और ये चार, तो पहले चार को उल्टा करके एक एक बढ़ाया जाएगा, यानी N को क्या किया जाएगा O, R को क्या किया जाएगा S, O को क्या किया जाएगा P, M को क्या किया जाएगा N, क्लियर। एक एक बढ़ाया है उल्टा करके, और लास्ट के चार को उल्टा करके क्या क्या करना है, एक एक कम करना है। तो I से कम करेंगे तो H, N से कम करेंगे तो M, G से कम करेंगे तो F, S से कम करेंगे तो R। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा O S P N R F M H। नेक्स्ट देखिए 34, टेम्पोरल, टेम्पोरल में क्या किया गया है, O L आ गया यहाँ पे, O L D S। तो इसमें भी कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ये चार ले ले, ये चार ले ले, P से पहले O एक कम किया, M से पहले L एक कम किया, E से पहले D एक कम किया, T से पहले S एक कम किया, ऐसी लास्ट के चार में O से P एक बढ़ाया गया है, R से S एक बढ़ाया गया है, A से B एक बढ़ाया गया है, L से M एक बढ़ाया गया है। तो इसमें भी चार चार के टुकड़े कर देते हैं, ठीक है। P से पहले O आया था तो S से पहले क्या आएगा R, N से पहले क्या आएगा M, O से पहले क्या आएगा N, C से पहले क्या आएगा B, उसके बाद लास्ट के चार को उल्टा करके एक एक बढ़ाना है, क्योंकि अभी तो कम किया, पहले चार में कम किया गया है और लास्ट के चार में एक एक बढ़ाना है। तो I से क्या आ जाएगा, I से J उल्टा करना है ना, D से E, E से F, R से S। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा गाइस जी। इसमें आप देखेंगे T E N को U C क्यों लिखा गया है, तो T 20 नंबर पे, E 5 नंबर पे और N 14 पे, T U 21 पे, C कितने पे 3 पे और O P Q 17 पे। अब देखिए 20 से 21 हुआ एक बढ़ाया गया, ठीक है, 5 से 3 हुआ दो कम किया गया, 14 से 17 हुआ तीन बढ़ाया गया, तो प्लस 1 माइनस 2 प्लस 3, तो R से S प्लस 1 हो गया, उसके बाद माइनस 2
टू करना है तो ए से दो कम करोगे तो ए से पहले जेड आएगा और जेड से पहले वाई आएगा। फिर टी में क्या करना है, तीन बढ़ाना है तो टी में टी के बाद यू, यू के बाद वी, वी के बाद डब्लू। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा एस वाई डब्लू। इसमें देखिएगा चेयर, चेयर में सी के बाद डी छोड़ा तो ई आ गया, एच के बाद आई छोड़ा तो जे आ गया, ए के बाद बी छोड़ा तो सी आ गया, आई के बाद जे छोड़ा तो के आ गया, आर के बाद एस छोड़ा तो टी आ गया, एल के बाद एम छोड़ोगे तो एन आ जाएगा, आई के बाद जे छोड़ोगे तो के आ जाएगा, जी के बाद एच छोड़ोगे तो आई आ जाएगा, एच के बाद आई छोड़ोगे तो जे आ जाएगा, टी के बाद यू छोड़ोगे तो वी आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ये। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये चारों क्वेश्चन एक बार वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए और इनको खुद ट्राई कीजिए, दो मिनट आप लगाइए उसके बाद वीडियो को प्ले कीजिए और फिर सॉल्यूशन देखिए। एम ओ यू एस ई को लिखा गया है पी आर यू क्यू सी, तो शिफ्ट को क्या लिखा जाएगा? तो देखो यू यहाँ बीच में था तो यू को तो ऐसे ही इसने बीच में रख दिया, उसके बाद M के बाद N छोड़ा, O छोड़ा, P आ गया, M के बाद N O P यानी तीन बढ़ाया गया, O के बाद P Q छोड़ा तो R आ गया यानी इसमें भी इसने तीन बढ़ाया है, ठीक है, प्लस थ्री, O से R प्लस थ्री, U को फिक्स किया गया, S से पहले R, R से पहले Q यानी टू माइनस किया गया, E पांच नंबर पे आता है, C तीन नंबर पे आता है तो इसमें भी दो माइनस किया गया है, तो पहले दो में तीन प्लस, लास्ट के दो में दो माइनस और बीच वाला फिक्स, तो बीच वाला फिक्स कर देते हैं आई। उसके बाद एस में आपको क्या करना है, तीन प्लस करना है तो एस के बाद टी यू वी, तो ये वी आ जाएगा, एच में भी तीन प्लस करना है, एच के बाद आई जे के, एफ में से आपको दो कम करना है तो एफ से पहले ई और ई से पहले डी, टी में से भी आपको दो कम करना है, टी से पहले एस और एस से पहले आर। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा वी के आई डी आर। नेक्स्ट देखिएगा एप्पल को इसने लिखा है ई टी टी पी आई, तो दिल्ली को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए ए एक नंबर पे आता है और ई आता है पांच नंबर पे, तो चार बढ़ाया गया है, पी कितने पे आता है 16 पे ओ पी, और ये टी कितने पे आता है 20 पे, तो चार बढ़ाया गया इसमें भी, एल 12 पे आता है, पी कितने पे 16 पे, चार बढ़ाया गया, ई 5 पे आता है और आई 9 पे आता है, इसमें भी चार बढ़ाया गया, यानी सब में चार चार बढ़ाया गया है, तो डी 4 पे आता है तो चार में चार बढ़ाओगे तो 8 और 8 पे क्या आ जाएगा एच, ई 5 नंबर पे आता है 5 में चार बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा 9 और 9 पे क्या आता है आई, L 12 पे आता है 12 और 4 16 पे क्या आ जाएगा P, H 8 पे आता है 8 और 4 12 12 पे क्या आ जाएगा L, I 9 पे आता है 9 में 4 बढ़ाओगे तो 9 और 4 13 13 पे M। तो गाइज ये नंबरिंग याद होनी चाहिए, जैसे मेरे याद है ऐसे ही आपको भी याद रखनी पड़ेगी, और ये याद कब होगी जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की। यहाँ पे देखिए एल यू टी ई को क्या किया इसने, एल को एम कर दिया एक बढ़ा दिया, यू टी ई को ऐसा ही फिक्स रख दिया, जी को एच कर दिया एक बढ़ा दिया, ए टी ई को फिक्स कर दिया, तो बी में एक बढ़ा दो, सी और एल यू ई को फिक्स रखो। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा क्लू। इसमें देखिए एफ ए टी एच ओ एम को लिखा गया है आई बी डब्लू आई आर एन, तो F के बाद G H छोड़ा I यानी प्लस थ्री हुआ है, यहां से इसमें प्लस थ्री, A से B हुआ प्लस वन, T 20 नंबर पे आता है, W 23 नंबर पे आता है प्लस थ्री, H से I हुआ प्लस वन, O 15 पे R 18 पे प्लस थ्री, M के बाद N यानी प्लस थ्री प्लस वन प्लस थ्री प्लस वन ऐसे चलना है, तो N कितने पे आता है 14 पे, इसमें 3 प्लस करोगे N के बाद O P छोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा Q आ जाएगा, उसके बाद O के बाद P क्योंकि प्लस वन करना है, फिर R के बाद प्लस थ्री करना है तो R के बाद S T तो U आ जाएगा, M के बाद N, A के बाद B C छोड़ोगे तो D और L के बाद M। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स,
आपको अगर किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए कंप्लीट मैथ्स और रीजनिंग अगर आपको करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने अपने मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके हमारी मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और उस पर आप पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यूट्यूब पर फ्री कोर्सेज मिल रहे हैं, फ्री लेक्चर्स मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर हमने पढ़ाया तो इसका पार्ट वन हमने फ्री लेक्चर्स में यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, इसके आगे के 6-7 पार्ट जो है वो आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगे। ऐसी कोई भी चैप्टर है तो जैसे कोई भी चैप्टर रीजनिंग का हो, मैथ्स का हो, उसके पार्ट वन बेसिक्स जो है आपको वो यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, लेकिन उसके सारे कंप्लीट क्वेश्चन 100-150 क्वेश्चन जो हम कराते हैं, आरएस अग्रवाल बुक के सारे क्वेश्चन जो है हमने मैथ्स में कराए हैं, वो सारे के सारे आपको एप्लीकेशन में मिलेंगे, लेकिन वो पेड होंगे। एप्लीकेशन में जाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर आप क्लिक कर लीजिए और एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके फ्यूचर के लिए।